हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में कैंटिलीवर यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। ये आपको जो है कि यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड में हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे और इसको जो है कि हम लोग ड्रॉ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो आप समझते हैं इसमें क्या है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड में। यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड में आपका यहाँ लोड जीरो है और ये आपका मैक्सिमम लोड जो है कि आपका W तक जो है कि आपका वेरी कर रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन बनाए यूनिवर्सिटी लेवल में, तो आपको यहाँ पे इस तरह का जो है कि सबसे पहले जो है कि स्पेस छोड़ देना होगा, सो दैट हम लोग यहाँ पर जो है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का हम लोग ग्राफ खींच सकें। ठीक है, ये जो है कि पॉइंट ये आपका ए है, यहाँ पे रिएक्शंस आर ए लगेगा और यहाँ पे आपको जो है कि आर बी लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे आर ए आर आर बी, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू लोड। ये जो आपका टोटल लोड होगा वो कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, दैट इज वन बाई टू एल इंटू W। ठीक है, ये जो है कि आपका लोड हो गया। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्रॉस सेक्शंस के अबाउट जैसे फाइंड करना है लोड, तो उसका हो जाएगा उसका ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो लोड एक्ट करेगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड की तरह एक्ट करेगा, ये आपको जो है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अक्रॉस जो है कि यहाँ पे लोड टोटल लोड जो है कि एक्ट करेगा और यहाँ से आपका ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका 2/3 L, ये 2/3 L और ये जो है कि 1/3 L। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट निकालेंगे, सम ऑफ मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू जीरो और हम लोग A के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा R B इंटू L, ये आपका R B है और यहाँ से ये डिस्टेंस L है तो ये आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिए और ये लोड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फोर्स, दैट इज लोड, ये आपका पूरा लोड कितना हो जाएगा W L बाय टू। ठीक है, ये पूरा लोड कितना हो जाएगा W L बाय टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम लोग 2L/3 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 2L/3 है इंटू 2L/3। ठीक है, इतना हम लोग समझ लें और इसको आप कैलकुलेट कीजिए और आर बी फाइंड कीजिए। आर बी इज इक्वल टू ये डब्लू डब्लू ये आपका 2WL² अपॉन ये 2 को कैंसिल नहीं कर लीजिए। ठीक है, 2 को कैंसिल कर लीजिए और ये आपका L नीचे आएगा तो ये और ऑलरेडी यहाँ पे 3 है तो ये आपका हो जाएगा WL/3, आर बी आ गया मेरा WL/3। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें आर बी इज इक्वल टू WL/3। ठीक है, WL/3। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आर बी भी हम लोग फाइंड कर लेंगे तो आर बी है मेरा कितना आ जाएगा WL/6। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो ये आर ए होगा आर ए इजकल टू डब्ल्यू, ये आर बी को यहाँ पे पुट करेंगे और आर ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया आर ए इजकल टू WL/6 और आर बी इजकल टू WL/3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड बी के बीच में हम लोग शेयर फोर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं क्रॉस सेक्शंस जो कि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसी यहाँ पे हम लोग ए और बी के में हम लोग क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे जिसका जो डिस्टेंस होगा वो एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम क्रॉस सेक्शन टू ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं शेयर फोर्स, तो यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स क्या है मेरा एक पहला फोर्स आर ए है, ये आपका पॉजिटिव आर ए है वो डायरेक्शन में है तो ये आर ए और ये जो है कि आपका
जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ से जो ये मेरा क्रॉस सेक्शंस तक का जो ट्रायंगल बनेगा उसका लोड, ठीक है। तो हम लोग लोड फाइंड करना हम लोग देख चुके थे, ये आपका माइनस लोड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। 1/2 लेंथ कितना हो गया, ये आपका क्रॉस सेक्शंस तक का एक्स हम लोग एज्यूम करते हैं ना, एक्स लेते हैं हम लोग, एक्स ये मेरा क्रॉस सेक्शन यहाँ तक है, ये आपको एक्स, ठीक है। तो ये आपका 1/2 एक्स इंटू इंटू डब्लू एक्स पॉन एल। देखिए ये इसको समझिए, आपको अगर यहाँ पे अगर आपको लोड निकालना है इस जगह पे मैक्सिमम लोड, ये आपको लोड कितना हो रहा है डब्लू पर मीटर, तो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट आपको लोड निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये डब्लू इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद टोटल लेंथ से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट जो है कि आपको लोड मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1/2 एक्स इंटू लोड, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम लोड। सिमिलरली अगर हमको यहाँ पे मैक्सिमम लोड जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे, तो ये क्या हो गया था, यहाँ पे मैक्सिमम लोड डब्लू इंटू एल अपॉन एल, तो ये मेरा कितना आ रहा था डब्लू, तो हम लोग यहाँ पे मैंने डब्लू लिखा था। ये आपका यहाँ पे लोड कितना था, जीरो था, और यहाँ पे जो है कि आपका लोड डब्लू था। इसीलिए सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जब लोड फाइंड करें इस क्रॉस सेक्शन तक, तो मेरा एक्स डिस्टेंस है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये टोटल लोड हो गया, है ना, टोटल लोड, और ये इस पॉइंट पे मेरा कितना लोड हो रहा है, ये डब्लू इंटू एक्स अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पे जीरो लोड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड जो है कि इस क्रॉस सेक्शन पे आपका है डब्लू एक्स, ठीक है, ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जब हम लोग शेयर फोर्स जब पॉइंट ए पे निकालेंगे, पॉइंट ए पे, तो ये एक्स इजकल टू जब हम लोग जीरो पुट करेंगे, तो ये मेरा मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस आर ए दैट इज डब्लू एल बाय सिक्स, ठीक है। तो ये मैंने ए पे निकाल लिया। सिमिलरली शेयर फोर्स एट बी, ये कब मिलेगा, व्हेन एक्स इजकल टू एल, ये कब एल पुट कीजिए यहाँ पे और फाइंड कीजिए, ये क्या हो जाएगा डब्लू एल बाई सिक्स, आर ए का वैल्यू डब्लू एल बाई सिक्स पुट कर दिया, माइनस 1/2 एक्स के जगह पे आप एल पुट कीजिए एल, तो ये क्या हो जाएगा डब्लू एल स्क्वायर अपॉन एल, तो एक एल कैंसिल हो जाएगा डब्लू एल बाई टू, ठीक है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये 12 हो जाएगा, 2 डब्लू एल, ये आपका हो जाएगा 2 डब्लू एल, 2 डब्लू एल माइनस, ये आपका हो जाएगा 6 डब्लू एल, ये कितना हो जाएगा 4 डब्लू एल अपॉन 12, और ये आपका हो गया, कैंसिल आउट कीजिए, डब्ल्यू एल बाई थ्री। तो यहाँ पे जो मैंने फाइंड किया शेयर फोर्स बी पे कितना हो गया डब्ल्यू एल बाई थ्री, ठीक है, डब्ल्यू एल बाई थ्री। अब यहाँ पे शेयर फोर्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है डब्ल्यू एल बाई, देख लीजिए ये आपका डब्ल्यू एल बाई सिक्स, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई सिक्स, और यहाँ पे कितना है डब्ल्यू एल बाई थ्री। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग को ड्रॉ करना है, और कैसा ड्रॉ करना है, स्क्वायर, ये जो है कि आपका पाराबोलिक नेचर का जाएगा। ये अगर हम लोग ये जनरल इक्वेशन, ये मेरा क्या है जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स और ये एक्स, ये वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये पाराबोला का नेचर है, पाराबोला, पाराबोला का ग्राफ है। तो ये जो आपका पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते थे, अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगा,
इस तरह से पाराबोलिक कर्व जो है कि यहाँ पे ड्रॉ होके जाएगा, ठीक है। और ये आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पे WL/6 ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है और यहाँ पे इसका वैल्यू है WL/3, ठीक है। तो ये आपका हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए जो है कि बेंडिंग मोमेंट, जनरल बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं। बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने से पहले जो है कि आपको जो ये जो मेरा एक्स डिस्टेंस है, ये जो मेरा यहाँ से ए के बीच जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है वो डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो मेरा इक्वेशन थर्ड मेरा आया है इसको हम लोग शेयर फोर्स अगर जीरो कर देंगे यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जीरो इजकल टू आर ए माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल, ये जो मेरा इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आर ए इक्वल टू क्या आ गया था मेरा WL/6 माइनस डब्लू, इसको पॉजिटिव कर लीजिए, डब्लू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये WL² अपॉन ये डब्लू सिक्स डब्लू और ये एक्स स्क्वायर, ये डब्लू डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर इजकल टू L² अपॉन 6। और ये x अगर हमको फाइंड करना है तो ये स्क्वायर रूट में उधर जाएगा, ये L अपॉन रूट थ्री, L अपॉन रूट थ्री। तो ये x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा L अपॉन रूट थ्री, ये जो है कि आपको दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा वो क्या हो जाएगा L अपॉन रूट थ्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमको फाइंड करना है तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच हमको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से समझिए, यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट हम लोग ले रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग क्रॉस सेक्शंस के मेरा आर ए है और यहाँ पे जो है कि हम लोग क्रॉस सेक्शंस कट कर रहे हैं, ये एक्स एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये पहला फोर्स है आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स, ये डिस्टेंस कितना है एक्स, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद माइनस, और ये जो मेरा लोड होगा, ये जो मेरा लोड होगा कितना हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू डब्लू एक्स अपॉन एल, ठीक है, ये हम फाइंड करना बताए थे इस जगह पे मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा डब्लू इंटू लेंथ, ये लेंथ और टोटल लेंथ, ठीक है। तो टोटल जो ये पूरा एरिया हो जाएगा वो टोटल लोड कहाँ पे लोड एक्ट करेगा, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2/3 एक्स, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें 1/2 एक्स इंटू डब्लू एक्स बाय एल, ये आपका लोड हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2/3 एक्स, ठीक है, 2/3 एक्स। यहाँ से आप जो है कि फाइंड कीजिए आर ए का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, आर ए इजकल टू डब्लू, ये आर ए के अबाउट मैंने दिया है तो ये आर बी हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, नहीं ये आपको आर ए ही होगा क्योंकि ये यहाँ ये आ रहे है ना, ठीक है, ये आ रहे,
आर ए का वैल्यू आप लोग पुट कीजिए, आर ए का वैल्यू कितना हम लोग फाइंड किए थे, किधर है, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई सिक्स, डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स एक्स माइनस वन बाई टू एक्स डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, और यहाँ से ये टू टू कैंसिल भी कर सकते थे, ये आपका नीचे थ्री बचेगा, ठीक है। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शंस लिए। अच्छा, ये लोड जो है कि हम लोग यहाँ ये क्रॉस सेक्शंस है, तो इस क्रॉस सेक्शंस के बाद हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तो आर ए इंटू दिस, और ये लोड जो है कि ये आपका डिस्टेंस है एल बाई थ्री, ये एल बाई थ्री होगा ना, मतलब वन बाई थ्री, ठीक है, ये वन बाई थ्री, ये सिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ वो आप ना करें। सिक्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट जो है कि मोमेंट ले रहे हैं, तो ये आपको जो है कि यहाँ पे समझना है, ये आपका आर ए आपको इस डायरेक्शन में गया और ये लोड जो है कि इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये डिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना है, ना कि ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स बाय थ्री, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई किया। और इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई सिक्स एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, और ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्स था, डब्ल्यू एक्स एक्स, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर और एक एक्स रहेगा, ये डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन सिक्स एल, ठीक है, तीन दोनों छः। तो ये मेरा जनरल इक्वेशन आया, इसको आप बेंडिंग मोमेंट, अब हम लोग फाइंड करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम लोग यहाँ पे जीरो पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में, तो ये बेंडिंग मोमेंट जो है कि अबाउट ए जो है कि मेरा कितना आएगा, जीरो आएगा। सिमिलरली जो है कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल, जब एल पुट करेंगे तब भी जो है कि मेरा ये जीरो आएगा, आप पुट करके देख लीजिए, ठीक है, ये एल पुट करेंगे तो यहाँ पे एल क्यू और ये एल है, नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन सिक्स, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन सिक्स, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद व्हेन ये जो पॉइंट सी है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री, जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, और हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो ये आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन नाइन रूट थ्री जो है कि आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट सी, और यही जो है कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो है कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये मेरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। ए पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना था, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी बी पे मेरा कितना था, जीरो था, ठीक है। और इस जगह पे आपका ये जो पॉइंट सी है जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है, वहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना था, ये था आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन नाइन रूट थ्री, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। और ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो मेरा है, ये कैसा आपका बेंडिंग मोमेंट जा रहा है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कि आप देख लीजिए, जब ये शेयर फोर्स पैराबोलिक होगा तो ये आपका क्यूबिक होगा, एक डिग्री जो है कि आपका हायर होता है, आप याद भी रखिए। और यहाँ पे देख लीजिए एक्स एक्स एक्स, ये एक्स क्यू है और ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू जो है कि आपका क्यूबिक
फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है और ये जो है कि आपका क्यूबिक ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि आपको कुछ पॉइंट भी आपको है जो कि याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले जो है कि आपको ये वैल्यू याद रखना है आर ए और आर बी का। ये आर ए का वैल्यू आपको याद रखना है और आर बी का वैल्यू याद रखना है। आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 6 और डब्ल्यू एल बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है, आपको शेयर फोर्स का वैल्यू भी याद रखना है, प्लस ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये आपको जो है कि डब्ल्यू एल बाई, इसका वैल्यू कितना आया था, डब्ल्यू एल बाई 6, और यहाँ पे जो है कि आपका डब्ल्यू एल बाई 3, और यहाँ पे एक्स इजकल टू कितना था, एल बाई √3, ठीक है। ये शेयर फोर्स का वैल्यू याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया था हम लोग का, वो डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9√3, ठीक है। ये आपको PSCs में भी आपको कभी कभी पूछता है, तो इसलिए ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर आपको अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि ये जो है कि आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको लोड को समझना है कि आपको किस तरह से आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर दें, जब ये सिंपली सपोर्टेड में आपको यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड आपको ये मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जो बेयरिंग लोड जो है ये आपको देगा W पर मीटर, ठीक है। ये वेरी कर रहा है लोड पर मीटर के अकॉर्डिंग, तो ये आपको जो है कि ये 0 है और ये आपका W है, ठीक है। मैक्सिमम लोड यहाँ पे W होगा। और किसी क्रॉस सेक्शंस के अबाउट, जैसे हम लोग यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिए और इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम लोड फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इस पॉइंट पे अगर फाइंड करना है तो क्या करना है, W इंटू लेंथ, ये जो है कि लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये आपको देगा इस पॉइंट के अबाउट जो है कि आपको मैक्सिमम लोड, है ना, टोटल लोड नहीं, टोटल लोड फिर अगर हम लोग फाइंड करेंगे, टोटल लोड जब हम लोग फाइंड करेंगे, ये देगा मेरा एरिया। एरिया जब होगा तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो ये हो गया एरिया का ट्रायंगल, ये आपका बेस इंटू हाइट जो है कि आपका यहाँ पे, ये जो है कि इस जगह पे मैक्सिमम लोड, ठीक है। सिमिलरली टोटल इस केस में अगर हम लोग फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग फाइंड किए थे तो इस जगह पे हम लोग, और इसका जो सेंट लोड जो एक्ट करेगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस हो जाएगा 2/3 L, ये आपको 2/3 और ये आपका L/3 इस क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग मोमेंट लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग किस पॉइंट के अबाउट और किस सेक्शन पे मोमेंट ले रहे हैं, और उसी लेंथ को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।